हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा आज का जो ब्लॉग है ना, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का है आपके साथ। मैं अपने एक्सपीरियंस अच्छे और बुरे दोनों ही शेयर करूंगी। कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे मेरे बेडशीट को लेके। तो आज का टॉपिक है मेरा बेडशीट कलेक्शन के ऊपर। तो मैं आपसे वही बताऊंगी कि आज तक मैंने जितनी भी बेडशीट खरीदी हैं तो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसे रहा है। इस समय चल रहा है विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में तो जाहिर सी बात है विंटर्स की ही बेडशीट बिछाते हैं सब लोग, चाहे हल्की क्वालिटी हो चाहे भारी क्वालिटी हो। देखिए, सबका अपना अपना बजट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप किसी भी बेडशीट पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। देखिए, मेरी पहली बेडशीट है ये बेडशीट है विंटर्स की, और मुझे ना ये बेडशीट काफ़ी अच्छी लगती है। लाइट कलर है, बिछने के बाद भी बहुत ही अच्छा लुक देती है ये मेरी बेडशीट, और एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है, एकदम ही मखमल जैसा कपड़ा है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, और मुझे लगता है ये बेडशीट आजकल सभी के घरों में अवेलेबल होंगी। तो आप कभी भी बेडशीट लीजिएगा, और इसके साथ दो पिलो कवर है। मैं पहले आपको ये भी बता दूं, ये दो पिलो कवर भी हैं इसके साथ, आपके देखिए फुल साइज के हैं। और आप कभी भी बेडशीट लीजिएगा ना, तो किंग साइज की लीजिएगा, क्योंकि किंग साइज की क्या होता है, बेडशीट आपको बिछाने में ना बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब अच्छे से दब जाती हैं, साइड से छोटी नहीं रहती हैं। हमें अपनी बेडशीट को उल्टा करके फोल्ड क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे वार्डरोब में या अलमारी में जहाँ भी आप बेडशीट रखते हैं, वहाँ पे अगर कुछ गंदापन लगा हो या हमारे हाथ में कुछ गंदगी हो लगी हो, तो अगर वो लग जाती है तो वो उल्टी साइड ही लगेगी, वो सीधी साइड नहीं लगेगी, ठीक है ना। पहला एक्सपीरियंस तो मेरा यही है कि मैं हमेशा अपनी बेडशीट को उल्टा करके ही फोल्ड करती हूँ। देखिए, पिलो कवर तो हमेशा इसके अंदर ही डाल के रखिएगा, आपकी इधर उधर मिस होंगी ही नहीं। दूसरी बेडशीट है ये भी इतनी सुंदर बेडशीट है, ये देखिए आने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगती है, आपको दिख भी रही होगी, ये बहुत ही सुंदर लुक देती है बेड पे बिछने के बाद। ये भी किंग साइज की बेडशीट है, और इसका भी सेम वही फैब्रिक है जो आपकी पहली वाली बेडशीट का था। और एक बेडशीट देखिए मैंने यहाँ बिछा भी रखी है, ये डार्क कलर की बेडशीट। मेरा इसका एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है, क्योंकि मेरा डार्क कलर का ही बेड है और मैंने डार्क कलर की ही बेडशीट खरीद ली। बस मुझे पसंद आ गई और मैंने ले ली, मगर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा बेड तो डार्क कलर का है तो उस पर डार्क कलर की मतलब मैच ही नहीं करेगी, कहाँ से शुरू होती है कहाँ से एंड होता है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए आप कभी भी अपनी बेडशीट लीजिए तो लाइट कलर के लिए डार्क बेड के साथ लाइट कलर की बेडशीट लीजिए, और लाइट कलर के बेड के साथ डार्क कलर की, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगती है। वरना तो लाइट कलर के बेड के साथ आप लाइट बिछा लीजिए चाहे डार्क बिछा लीजिए, दोनों ही बहुत ही मस्त लगती है। हमारे घर में ना बहुत तरह की बेडशीट होती हैं, विंटर्स की अलग होती हैं, समर्स की अलग होती हैं, देखिए, और उन बेडशीटों को ना बिछाने के बाद ही उनके लुक का पता चलता है। तो मेरे भी बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हैं, जब मैंने खरीदी बेडशीट तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब जब फिर मैं घर पे लेके आई तो मुझे भी नहीं पता था कि बेडशीटों का भी साइज आता है, एक अलग अलग साइज आता है। तो कुछ बेडशीटें हमने पहले ऐसी खरीद ली थी जो मतलब अंदर दबती नहीं थी, इधर से दबाओ तो उधर से निकलती थी, उधर से दबाओ तो उधर से निकल जाती थी दूसरी साइड से। तो ये चीज़ें ना खरीदने के बाद ही पता चलता है, ये सभी की बात है, मेरा ही नहीं, ये सभी की बात है। एक बेडशीट को लेके मेरा बहुत और एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरी ये वाली बेडशीट है, मैं हमेशा बेडशीट की उल्टी ही तह बनाती हूँ। ये बेडशीट है, ये लाइनिंग वाली जो बेडशीट होती है ना, इनको बिछाने का ना बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि मेरा बेड
पे तो मुझे तो अपने बेड पे ना हमेशा इस तरीके से बेडशीट अच्छी लगती कि लाइनिंग बिल्कुल सीधी सीधी आए, इक्वल इक्वल दोनों साइड इक्वल इक्वल ही बिछे। तो मुझे ना अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा लगता है तो बेड का ना शेप अच्छी नहीं लगती है मुझे, मतलब बेडशीट की शेप ही अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसलिए ये वाली बेडशीट ना तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लीजिए इस तरीके की लाइनिंग वाली, ये ऐसे होती हैं। तो मुझे ये लाइनिंग वाली और डिज़ाइनिंग ऐसी बेडशीटें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। अब मैं कभी नहीं लूँगी एक जो सेल्फ बेडशीट होती है जिसपे एक जैसा डिज़ाइन बना हो, तो वही बेडशीट मुझे ज़्यादा पसंद आती है। बॉक्सेस बॉक्सेस वाली होती हैं वो बेडशीट भी बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जो लाइनिंग वाली होती है ना ये बेडशीट मैं तो सजेस्ट करूँगी नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा सजेस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बैड रहा है इस बेडशीट को लेकर। तो अभी तक तो थी वूलन की बेडशीट की बात, अब आती है समर्स की बेडशीट। देखिए समर्स की बेडशीट में एक बेडशीट ये है मेरी, ये मेरी शादी की बेडशीट है जो मैंने बहुत बिछाई है, बहुत बिछाई है, मगर अब क्या है इसकी रफ हो चुकी है, इसके धागे ना टूट चुके हैं देखिए। तो अब मुझे बिछाने में इतनी कोई खास नहीं लगती, कभी बिछा लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी बिछाने में ठीक लगती है। तो इस बेडशीट को मैं ओकेशनली बिछाती थी, जैसे देखिए आप अपने घर में ना एक बेडशीट या दो बेडशीट ऐसी ज़रूर रखिएगा जो आप ओकेशनली बिछा सके, फेस्टिवल हो, कोई घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, छोटा मोटा जो भी हो, आप तुरंत बेड से निकालिए और तुरंत अपनी बेडशीट बिछा लीजिए। एक बेडशीट है ये मेरी सिल्क की बेडशीट है और काफ़ी हैवी स्टफ़ है, आपको ऐसी बेडशीट भी अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि ये बेडशीट जब बेड पे बिछाते हैं ना तो इधर उधर हिलती डुलती नहीं है और ये बिछाने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप जब भी होटल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे वाइट कलर की बेडशीट ही आपको बेड पे नज़र आएंगी, तो लाइट कलर की बेडशीट आपको बेड पर ना रिच लुक देती है। तो ये बेडशीट भी मेरी लाइट कलर की है और जब बेड पे बिछती है ना तो इतना अच्छा मतलब लुक देती है कि मुझे भी ना बहुत पसंद आती है। तो ये बेडशीट का ना तो मेरा कलर गया है और ना ही इसका प्रिंट ही ख़राब हुआ है, तो ये मेरी बेडशीट बहुत ही अच्छी निकली। तो मैं भी सजेस्ट करूँगी इस तरीके की बेडशीट आप ले सकते हैं और कॉटन की है, काफ़ी अच्छा स्टफ है। फिर यह है एक चादर और कॉटन की है, ये जो ये वाला प्रिंट होता है ना हाथी घोड़े बने हुए, देखिए जो ये हाथी घोड़े वाले बेड होता है, ये होता है ना, ये बेड पे बिछे हुए बहुत ही सुंदर लगती है। ये बेडशीट ना कॉटन की है, ये बहुत ही सुंदर लगती हैं बेड पे बिछी। तो ये जयपुरी बेडशीट कहलाती हैं, तो आप जयपुरी के नाम से लीजिएगा, बहुत ही सुंदर बेडशीट होती हैं ये। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस यही है, आप इस बेडशीट को हमेशा परचेज कर सकते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि जयपुरी प्रिंट तो चाहे साड़ी का हो, चाहे सूट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, आप इसको आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। एक बेडशीट यह है मेरी, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इसके जो धागे हैं ना, आप ये बेडशीट कभी परचेज मत कीजिएगा, ये बेडशीट ये देखिए इस तरीके की, क्योंकि इसके धागे पायल बिछुए चूड़ी अगर आप कुछ ऐसा पहन लेते हैं तो उसके में इतने धागे लचते हैं, इतने धागे कि आपके धागे बहुत निकलते हैं। तो मैं ये बेडशीट मैं देखिए नई की नई रखी है, ये देखिए बिल्कुल नई है, मगर मैं इसलिए नहीं बिछाती कि मेरे साथ ना बहुत प्रॉब्लम होती है, एक तो इसमें रुआ भी आ गया है, रुआ आ गया जो लेटने बैठने में ना चुभता है, ये देखिए रुआ कितना रुआ है इसमें। और मैं हमेशा बेडशीट को धोती हूँ ना तो सिर्फ मैं बेडशीट ही धोती हूँ मशीन में, कोई और कपड़ा उसके साथ नहीं डालती हूँ। तो देखिए उसके बावजूद भी इसमें रुआ आ गया है, ये देखिए। तो आप इस तरीके की बेडशीट कभी मत लीजिएगा, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस, इस बेडशीट का तो सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा है और मेरा बहुत दिल दुखा इस पे मैंने पैसे वेस्ट करे। ये काफ़ी महंगी भी थी, महंगी क्या थी, आई थिंक 650 रुपए की बेडशीट थी उस समय। तो और इसके तकिए के कवर भी ना छोटे ही थे।
आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा? देखिए, व्लॉग बनाने में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, बैड भी गुड भी, तो इसलिए मैं जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसको निगेटिव में मत ले जाइएगा कि कुछ लोग तो इतने भद्दे कमेंट्स कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि सामने वाले को क्या लग रहा है। लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका जैसे एक्सपीरियंस हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरा जैसे एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कैसे लगे आज की मेरी ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।